झोने की खरीद नूं लैके FCI वल्लों शैलर मालकां खिलाफ बनाए गए नवें नियमां दे विरोध विच अज गुरदासपुर विच इकत्र होए जिले दे शैलर मालकां ने इन्हां दे नियमां दी निखेधी कीती है अते कहा कि केंद्र सरकार हुण शैलर मालकां लई नवें कानून बना के किसानां नूं परेशान अते खजल खुआर कर रही है। उन्हां कहा कि केंद्र सरकार नूं साडे वल्लों हदायत कीती जांदी है कि जेकर कोई शैलर मालक 17 मोस्चर तों वध वाला झोना स्टोर करेगा तां उस दे खिलाफ मामला दर्ज कीता जाएगा। बाकी इस खबर बारे बोलदिआं बलविंदर सिंह रावाल जो कि प्रधान ने सैलर यूनियन दे उन्हां दे वल्लों की कहा गया आओ जाण लैने आ। जिहड़ी अज दी मीटिंग कीती जांदी आ समूह रैस मिलर जिला गुरदासपुर वल्लों कीती जांदी आ उहदे जिवें आ कि मिलरां नूं बहुत वड्डी प्रॉब्लम आ रही आ उह इह आ कि जिहड़ियां साडियां एजेंसियां परचेज करदियां ने उहनां नूं इक बेनती कीती जांदी आ कि 17 तों जो सरकार दी स्पेसिफिकेशन FCI दीआं ने 17 मोचर वाला ही माल परचेज करो। मिलर ने सारे ने सर्वसंमति फैसला किया कि असी 17 मोचर वाला ही अपने सेलर से माल स्टोर करांगे क्यों उन्होंने FCI ने चिट्ठी कट के सर्कुलर जारी कर दिता कि जेड़ा राइस मिलर 17 मोचर तो वध अपनी राइस मिल से माल उतारदा है स्टॉक करता है असी उस बंदे ते परचा करांगे FIR दर्ज करांगे। इस नूं उह फरमान नूं दुखी हो के सारी ट्रेड ने जिले गुरदासपुर की एसोसीएशन ने एक हंगामी मीटिंग सदी आ कि वह हल कढ़िया जाए सुन बिल्कुल किसान मारन वाला है। किसान साढ़े तो अगे दुखी चलन रहे बड़ी घाटे जिमीदारा धंधा चलन रहा जेडे शेलर वाले आ भी बड़े घाटे चलन रहे आढ़ती भी दुखी ने सारिया ट्रेड साड़ी दुखी है इस करके अं चुक रहे हैं साड़ी थोड़ी जी गिनती थोड़ी आ साड़ी सुनवाई कोई नहीं हैगी पिछली सरकार ने साडे एग्रीमेंट च नहीं लिया तो 45 राइस बना के सानू जबरी लिया हुण सरकार ने चिट्ठी कटती अज जारी हुई है हुणे आया अज फरमान कि तुहां 50% 45 देना ये लोगों ने कितों लियाने पैसे ये मिलां छड के भज जाणगे जिन्हें दुखी हो गए बिल्कुल किसानी खत्म हो जानी है जे इहो फरमान इदां जारी होए तो किसानी खत्म हो गई जे मिलां बंद हो गई तो स्टोर माल होना ही नहीं गा जो आप अजे तो सानू अपनी जिमीदार धंधे की उन्होंने वेख के ना शर्म आती है इस गल की कि अं तो घाटे जा रहे जिमीदार भी दो चार चार किले पैली बड़ा दुखी आ तो जो तो बंद माल सही जो एक बंद गलत कहना वो भी बड़ा व्डा घाटा पेगा भी बड़ी गलत गल आ कि माल खरीदते जो आप कीड़े पाने स्टेट सरकार तो भी अं बेनती करने कि साडा मिल वाले का साथ दिता जाए जो सरकार की प्रोक्योरमेंट जी बनाई गई है 17 मोचर वाली 17 वाला ही इन्हों एजेंसियों बेनती की जाए कि माल खरीदो साढ़े तो FIR लॉज कर देनी उन्होंने अच्छा क्यों माल चुकना जो तो सरकार की हिदायत भी ताकि जो जो माल स्टोर करना आई FCI वाला DM कह रहा FCI कह रही आ भी अं कि वे भी ताकि मिल चो माल चेक कर सकते हैं जी आप 17 वाला माल लवेंगे तो अं तो FIR तो लॉज होगी साढ़े तो फिर। दूजे पासे बलविंदर सिंह नाभा जो कि शैलर मालक ने उन्होंने वालों भी इस खबर बारे स्पष्टीकरण दिता गया उस पर भी जरा गौर फरमाओ कि साडा जिहड़ा फर्ज बनता अं कोई झोने के कस्टोडियन असी तो जॉब वर्क करते हाँ माल जिहड़ा आ झोना जिहड़ा सरकार का हुंदा असी उस चौल जिहड़े FCI नूं डिलीवर करने हुंदे आ FCI दीआं स्पेसीफिकेशनां दे अकॉर्डिंगली करने दे जिहड़ा साडा एग्रीमेंट आ उहदे विच बिल्कुल क्लीयर लिखा होया एज़ पर FCI स्पेसीफिकेशन 17% तो उपर वाली पैडी जिहड़ी आ उह नहीं खरीदी जा सकती। साडी पंजाब सरकार नूं जिमीदार भरावां नूं सारिआं नूं बेनती इहो ही आ कि साढ़े जिदा की स्पेसीफिकेशन आ उदा के सू राइस देने पैने साड़ी हाथ जोड़ के बेनती आ कि माल जो सुा के वाण ता जो मंडी में कोई परेशानी ना आए साढ़े पिछले साल सीजन में भी एक साडा मिलर भरा धारीवाल तो सुसाइड कर गया सी। पिछले 5 सालों साढ़े गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट 3 मिलर सुसाइड कर गए हुए क्योंकि जो भी आप कोई बिना स्पेसीफिकेशन तो माल खरीद लें रिजल्टेंट राइस क्योंकि पानी होंगे मॉइस्चर ज़्यादा होंगे पानी वो राइस घट जाते मुड़ के साढ़े तो हर पॉइंट से FIR असी चैक लेंगे पहला सरकार पंजाब सरकार असं चैक दते होंगे जे असी नहीं पूरे देते चैक डिसऑनर हो जाते वो भी FIR प्लस क्रिमिनल कंप्लेट बनती है। बिल्कुल विरोध करते हैं केंद्र सरकार की पॉलिसी एक तो उन्होंने हैगी कि जिमीदारा खराब करना ये झोने वाले तो कणक वाले चक्कर चो बाहर कढ़ना बिल्कुल क्लीयर आ दो एज्ड वैपन्स चल रहे जहाँ तो जिमीदारा मारन के उन्होंने पता कि जिमीदार बहुत गिनती ज़्यादा है उन्होंने स्ट्रगल अगे बहुत चलन दी आ उन्हों को बहुत ईजी हैगा कि 4-5 हज़ार राइस मिलर आ इन्हों मार दो जे मिले जे राइस पिछले समय में
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਲਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੀਲੀਐਂਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਟਰ ਆਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਉਹਦਾ ਪੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ 17% ਮੋਇਸਚਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਨਡਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇ? ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਰਾਈਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਪੈਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟੀ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ।